हेलो दोस्तों, डॉक्टर उस्मान केटू ट्रेंड्स में आपका फिर से स्वागत है। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और घर पर सेफ होंगे। दोस्तों, फास्टिंग या उपवास हमारी जिंदगी में एक अहम रोल रखता है। हम लोग में कुछ लोग स्पिरिचुअलिटी के आधार पर और कुछ लोग अपनी बॉडी को डिसिप्लिन में लाने के लिए फास्टिंग रखते हैं। स्पिरिचुअलिटी यानी अपने आप को खाने पीने से रोकने के साथ साथ कोई भी गलत बात या गलत काम करने या सोचने तक। दोस्तों, फास्टिंग हमारी बॉडी को हेल्दी लाइफ रूटीन बनाने में हेल्प करता है। फास्टिंग से अपने ब्रेन की एक्टिविटी को हम कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे पेशेंस का पढ़ना और गुस्से को काबू करना। कुछ लोग अपना बॉडी वेट कम करने के लिए भी फास्टिंग करते हैं, जबकि फास्टिंग एक ऐसी एक्टिविटी है जो हमारी बॉडी के रिजर्व फैट्स को एनर्जी में कन्वर्ट करके दिमाग को अलर्ट और एक्टिव रखने में मदद करती है। दोस्तों, खास तौर पर देखा जाए तो फास्टिंग करने के 5 तरीके होते हैं, जिनको अगर सही डाइट और लाइफस्टाइल के साथ रखें तो रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे मिल सकते हैं। वाटर फास्टिंग यानी यहाँ पर आपको कुछ घंटों के लिए सिर्फ पानी पीना होता है। जूस फास्टिंग, यहाँ पर आपको सिर्फ कुछ घंटों के लिए वेजिटेबल या फ्रूट जूसेस पीना होता है। इंटरमीडिएट फास्टिंग, यहाँ पर आपको सुबह से शाम बिना कुछ खाए या बिना कुछ पिए रहना होता है। शाम में आप नॉर्मल डाइट ले सकते हैं। पार्शियल फास्टिंग, जिसमें सिर्फ आपको प्रोसेस फूड, एनिमल प्रोडक्ट या कैफीन लेने से मना किया जाता है। कैलोरी रिस्ट्रिक्शन, यहाँ पर आपको हफ्ते में कुछ दिन एक्स्ट्रा कैलोरी लेने से मना किया जाता है। दोस्तों, फास्टिंग के फायदे। साइंटिफिकली ये साबित हुआ है कि फास्टिंग से बहुत सारे फायदे हैं। 12 से 24 घंटे के फास्टिंग के बाद हमारी बॉडी से खतरनाक टॉक्सिंस और केमिकल्स बाहर निकल जाते हैं। हमारे वाइटल ऑर्गन्स पर जब काम का लोड कम होता है तो उनमें काम करने की ताकत बढ़ जाती है, जिसकी वजह से कोई भी केमिकल हमारी बॉडी में ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता। वजन का कम करना या मेटाबॉलिज्म का बढ़ाना, दोस्तों फास्टिंग वजन कम करने में हेल्प करता है। एक स्टडी के मुताबिक 12 से 24 घंटे की फास्टिंग में 9% तक वेट कम किया जा सकता है। जब कैलोरीज का इंटेक बंद हो जाता है तब हमारी बॉडी की मेटाबॉलिज्म बढ़ जाती है, जिसकी वजह से बॉडी में जमा हुए फैट मेल्ट होकर एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। ब्लड शुगर कंट्रोल, दोस्तों फास्टिंग से इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होता है और इंसुलिन ब्लड शुगर मेटाबोलाइज करके उनकी ब्लड लेवल को कम करने में मदद करता है। दोस्तों, फास्टिंग कई सारी बीमारियों को कम या कंट्रोल करने में मदद करता है, जैसे आर्थराइटिस, हार्ट डिजीज, कैंसर और मल्टीपल स्क्लेरोसिस। ऐसे केमिकल्स जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन बढ़ता है उनको रोका जा सकता है, जिससे कोई भी बीमारी को रोकने या उसके ट्रीटमेंट करने में मदद हो सकती है। दोस्तों, दिल की बीमारी में फास्टिंग का एक इम्पोर्टेंट रोल है। यह खून में मिलने वाले ट्राइग्लिसराइड्स और कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को नॉर्मल रेंज में लाकर हमें फास्टिंग से ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद करता है। दोस्तों, फास्टिंग ब्रेन फंक्शंस को इम्प्रूव करता है और एज बढ़ने पर हमारे दिमाग के अंदर जो न्यूरॉन्स होते हैं और उनका डैमेज हो जाता है, उन्हें प्रोटेक्ट करके उनसे होने वाली बीमारियां जैसे एपिलेप्सी, अल्जीमर्स, पार्किंसन से हमको बचाता है। दोस्तों, हमारी बॉडी में ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन होता है, जो एक इम्पोर्टेंट हार्मोन है और जो हमारी बॉडी के ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म और मसल स्ट्रेंथ को मेंटेन करने में मदद करता है। फास्टिंग इस हार्मोन के लेवल्स को बढ़ाता है और बॉडी को मेंटेन करने में हेल्प करता है। दोस्तों, एनिमल स्टडीज के मुताबिक फास्टिंग हमारी एज प्रोसेस को थोड़ा धीमा या स्लो कर देता है। वैसे अभी इस पर ह्यूमन स्टडीज चल रही है। दोस्तों, फास्टिंग कैंसर जैसी बीमारियों में बॉडी में बनने वाले खतरनाक केमिकल्स को या फिर ट्यूमर बनने से रोकता है, और अगर ट्यूमर होता भी है तो तभी उसके ट्रीटमेंट होने से हेल्प करता है। दोस्तों, फास्टिंग के कई सारे फायदे हमने देखे, पर हर किसी के लिए फास्टिंग करना कभी कभी ठीक नहीं होता, स्पेशली उन पेशेंट्स में जो पहले से ही कोई बीमारी का शिकार है। अगर कोई पेशेंट्स डायबिटीज या हार्ट डिजीज से पीड़ित है तब ब्लड शुगर या ब्लड प्रेशर बढ़ने या कम होने का खतरा ज्यादा हो जाता है। ऐसी कंडीशंस में डॉक्टर से कंसल्टेशन लेना बहुत जरूरी हो जाता है। जब कभी भी फास्टिंग रखें तो देखें कि आप पानी के साथ साथ एक अच्छी न्यूट्रिएंट डाइट और रेस्ट करें। तो सब अपना खास ख्याल रखें। हम फिर वापस आएंगे इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। थैंक यू।